आज के आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान की नींव डाली महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने, और उनका भरपूर साथ दिया मैक्स प्लैंक, श्रोडिंगर, पॉल डिराक आदि वैज्ञानिकों ने। आइंस्टाइन के सापेक्षिकता के सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने आधुनिक विज्ञान को अध्यात्म से जोड़ने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जिस समय आइंस्टाइन ने दुनिया को थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में बताया, तत्कालीन वैज्ञानिकों को ये स्वीकार करने में कठिनाई महसूस हुई कि ये दुनिया, ब्रह्मांड सिर्फ न्यूटन के बताए सिद्धांतों पर नहीं चलती। आखिर क्या है पैरेलल यूनिवर्स यानी समांतर ब्रह्मांड? आज के आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान भी इसके रहस्यों को लेकर हैरान ही है। वैसे तो इस ब्रह्मांड में कई रहस्य हैं। पैरेलल यूनिवर्स का अर्थ है कि इस सृष्टि में एक से ज़्यादा या कहें तो अनगिनत हमारे जैसे ब्रह्मांड मौजूद होते हैं, जिनमें हमारी पृथ्वी और हम एकदम जैसे कि इस ब्रह्मांड पर हैं, ठीक वैसे ही डुप्लीकेट रूप से दूसरे ब्रह्मांड में भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप इस ब्रह्मांड की पृथ्वी पर बैठकर हमारा यह वीडियो देख रहे हैं, तो ठीक उसी समय आप किसी दूसरे ब्रह्मांड की पृथ्वी पर बैठकर शायद चाय पी रहे हों। किसी और ब्रह्मांड में आप शायद ये वीडियो देखकर ख़त्म कर चुके हों, तो किसी और ब्रह्मांड की पृथ्वी पर आप छोटे बच्चे के रूप में खेल रहे हों। इस तरह जितने ही ब्रह्मांड हम सोच सकते हैं, उतने ही आपके अलग अलग रूप उन ब्रह्मांडों में मौजूद हो सकते हैं। आइंस्टाइन ने अपने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बताया कि समय और स्थान यानी टाइम एंड स्पेस एक दूसरे से अलग नहीं है। जैसे जैसे समय बीतता गया, आइंस्टाइन के सिद्धांतों की प्रयोगों द्वारा पुष्टि होती गई। वर्तमान समय में जेनेवा में लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर मशीन पर होने वाले नित नए प्रयोगों के परिणाम विस्मयकारी आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन वैज्ञानिकों के लिए जो सबसे ज्यादा चकित करने वाली बात है, वह ये है कि ये आंकड़े वैज्ञानिकों को जिन निष्कर्षों पर पहुंचा रहे हैं, वो आज से हजारों वर्ष पहले लिखे गए हिंदू धर्म ग्रंथों में बहुत विस्तार से समझाया गया है। आज मैं आपको ऐसी ही एक घटना के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसमें ब्रह्मांड के समय और स्थान के परस्पर संबंधों की व्याख्या की गई है। योग वशिष्ठ में एक बहुत महत्वपूर्ण वर्णन आता है। यह घटना जीवन के उद्देश्य, रहस्यों और मृत्यु के बाद की जीवन श्रृंखला पर भी प्रकाश डालता है, इसलिए विद्वान इसे योग वशिष्ठ की एक सर्वाधिक उपयोगी आख्यायिकाओं में से एक मानते हैं। यह वर्णन इस प्रकार है। किसी समय आर्यव्रत क्षेत्र में पद्म नाम का राजा राज्य करता था। लीला नाम की उसकी धर्मशील धर्मपत्नी उसे बहुत प्यार करती थी। जब कभी वह अपने पति की मृत्यु की बात सोचती, तो वियोग की कल्पना से घबरा उठती। अंत में कोई उपाय ना देखकर उसने भगवती सरस्वती की उपासना की और यह वरदान प्राप्त कर लिया कि यदि उसके पति की मृत्यु पहले हो जाती है, तो पति की अंत चेतना राजमहल से बाहर ना जाए। माँ सरस्वती ने यह भी आशीर्वाद दिया कि तुम जब चाहोगी अपने पति से भेंट भी कर सकोगी। कुछ दिन बाद दुर्योग से पद्म का देहांत हो गया। लीला ने पति का शव महल में ही सुरक्षित रखवा कर भगवती सरस्वती का ध्यान किया। माँ सरस्वती ने उपस्थित होकर कहा, भद्रे दुख ना करो, तुम्हारे पति इस समय यहीं हैं, पर वे दूसरी सृष्टि यानी दूसरे लोक में हैं। उनसे भेंट करने के लिए तुम्हें उसी सृष्टि वाले शरीर में प्रवेश करना चाहिए मानसिक ध्यान द्वारा। लीला ने अपने मन को एकाग्र किया, अपने पति को याद किया, उनका ध्यान किया और उस लोक में प्रवेश किया जिसमें पद्म की अंतर चेतना विद्यमान थी। लीला ने वहां जाकर कुछ क्षणों तक जो कुछ दृश्य देखा, उससे वह बड़ी आश्चर्यचकित हुई। उस समय सम्राट पद्म इस लोक यानी इस सृष्टि के 16 वर्ष के महाराज थे और एक विस्तृत क्षेत्र में शासन कर रहे थे।
लीला को अपने ही कमरे में इतना बड़ा साम्राज्य और एक ही दिन के भीतर 16 वर्ष व्यतीत हो गए, ये देखकर बड़ा विस्मय हुआ। उस समय माँ सरस्वती उनके साथ थी। उन्होंने समझाया, पुत्री, जिस प्रकार केले के तने के अंदर एक के बाद एक परतें निकलती चली आती हैं, उसी प्रकार प्रत्येक सृष्टि के क्रम विद्यमान हैं। इस प्रकार एक के अंदर अनेक सृष्टियों का क्रम चलता है। संसार में व्याप्त चेतना के प्रत्येक परमाणु में जिस प्रकार स्वप्न लोक विद्यमान है, उसी प्रकार जगत में अनंत द्रव्य के अनंत परमाणुओं के भीतर अनेक प्रकार के जीव और उनके जगत विद्यमान हैं। अपने कथन की पुष्टि करने के लिए एक जगत यानी एक सृष्टि दिखाने के बाद उन्होंने लीला से कहा, तुम्हारे पति की मृत्यु 70 वर्ष की आयु में हुई है, ऐसा तुम मानती हो, क्योंकि इस जन्म और लोक में यह सत्य भी है। इससे पहले तुम्हारे पति एक ब्राह्मण थे और तुम उनकी पत्नी। ब्राह्मण की कुटिया में उसका मरा हुआ शव अभी भी विद्यमान है। चलो तुम्हें दिखाती हूँ। यह कहकर भगवती सरस्वती लीला को और भी सूक्ष्म जगत में ले गईं और लीला ने वहाँ अपने पति का मृत शरीर देखा। उनकी उस जीवन की स्मृतियाँ भी याद हो आईं और उससे भी बड़ा आश्चर्य लीला को यह हुआ कि जिसे वह 70 वर्षों की आयु समझे हुई थी, वह और इतने जीवन काल में घटित सारी घटना उस सृष्टि जिसमें उनके पति ब्राह्मण थे और वह उनकी पत्नी के कुल 7 दिनों के बराबर थी। लीला ने यह भी देखा कि उस समय उसका नाम अरुंधति था। एक दिन एक राजा की सवारी निकली, उसे देखते ही उसको राजसी भोग भोगने की इच्छा हुई। उसी सांसारिक इच्छा के फल स्वरूप ही उसने लीला का शरीर प्राप्त किया और राजा पद्म को प्राप्त हुई। इसी समय भगवती सरस्वती की प्रेरणा से राजा पद्म, जो कि दूसरी सृष्टि में थे, उन्हें अंत समय में फिर से पद्म के रूप में राज्य भोग की इच्छा जाग उठी। लीला को उसी समय फिर पूर्ववर्ती भोग की इच्छा ने प्रेरित किया और फलस्वरूप वह भी अपने व्यक्त शरीर में आ गई और राजा पद्म भी अपने शव में प्रविष्ट होकर जी उठे। फिर कुछ दिन तक उन्होंने राज्य भोग भोगे और अंत में पुनः मृत्यु को प्राप्त हुए। इस कथानक में महर्षि वशिष्ठ ने मन की अनंत इच्छाओं के अनुसार जीवन की अनवरत यात्रा, मनुष्यत्तर योनियों में भ्रमण, समय तथा स्थान से निर्मित ब्रह्मांड में चेतना के अबुद्ध और अस्तित्व तथा प्राण विद्या के गुण रहस्यों पर बड़ा ही रोचक और बोधगम्य प्रकाश डाला है। पढ़ने सुनने में यह कथानक परियों की सी कथा या जादुई चिराग जैसी लग सकती है, लेकिन ये वो विज्ञान है जिसकी सहायता से पूरे ब्रह्मांड की व्याख्या की जा सकती है। आज के आधुनिक वैज्ञानिकों के सामने दोहरी समस्या है। पहली ये कि वो ये स्वीकार करने में कठिनाई महसूस करते हैं कि हिंदू धर्म के प्राचीन ऋषि महर्षि समय स्थान ब्रह्मांड समांतर ब्रह्मांड यानी पैरेलल यूनिवर्स आदि की गुत्थी सुलझा चुके थे, क्योंकि ये स्वीकार करने में इतिहास और दर्शन की सभी प्राचीन मान्यताएँ छिन्न भिन्न होने का खतरा है। और दूसरी समस्या यह है कि अगर वो ये मान भी ले कि ऐसा था, तो उन प्राचीन ऋषि महर्षि के ज्ञान को उनके आधुनिक विज्ञान की भाषा में उनको समझाएगा कौन। यहाँ यक्ष प्रश्न यह भी है कि हमारे ही पूर्वजों द्वारा अर्जित ज्ञान और हम ही इसका महत्व नहीं समझते। मानवेतर सत्ता का विस्तार असीम है। उसकी तुलना में बहुत ही सीमित क्षेत्र यानी डायमेंशन की दुनिया में हम अपने दैनिक जीवन के क्रियाकलाप को अंजाम दे रहे हैं। इसके परे जो दुनिया है, उसे समझने के लिए हमें अपने स्वयं का विस्तार करना पड़ेगा, तभी हम उसे समझ पाएंगे। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का मेरा ये वीडियो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करूँगी।
तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। टिल देन डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।